हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमेशन विद दीपक। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं FX5U PLC में रिमोट IO कैसे कम्युनिकेट करते हैं CC लिंक IEF बेसिक के थ्रू। तो इस वीडियो में PLC साइट सेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉड्यूलर IO कॉन्फ़िगरेटर सॉफ्टवेयर जो है हमारा, उसके थ्रू हेडर मॉड्यूल में DI DO एंड AI AO कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और क्या क्या सेटिंग हमें करनी होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। अब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो यह है कि हाउ टू कम्युनिकेट रिमोट IO इन FX5U PLC थ्रू CC लिंक IEF बेसिक। तो किसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करने वाले हैं? CC लिंक IEF बेसिक। हाउ टू स्टेबलाइज कनेक्शन बिटवीन FX5U PLC एंड हेडर मॉड्यूल MCCVH, इसके बीच में हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे CC लिंक IEF बेसिक के थ्रू, देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट वी नीड टू डाउनलोड दिस फाइल। ये हेडर मॉड्यूल की फाइल है जो हमें डाउनलोड करनी होगी और रजिस्टर करनी होगी हमें GXWork3 में। विदाउट दिस फाइल कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल। तो चल देखते हैं कि कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं इस फाइल को। सबसे पहले मैं GXWork3 ओपन कर लेता हूं और टूल में जाने के बाद मैं प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाऊंगा। प्रोफाइल मैनेजमेंट में रजिस्टर, जैसे मैं रजिस्टर करूंगा तो मैं इस फाइल के लोकेशन पे इसको लेके चले जाता हूँ। तो ये मेरी फाइल है, मैं इसको रजिस्टर कर देता हूँ। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफाइल इज कंप्लीट। वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए हमारा। इस फाइल को हम जब भी रजिस्टर करें तो प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। बस इसको ओपन कर लेना है सॉफ्टवेयर को और टूल में जाना है, प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाना है और रजिस्टर कर देना है। मैं ऑलरेडी किया हुआ हूँ तो मैं अभी नहीं करूँगा। ओके, मैं न्यू सॉफ्टवेयर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अब सेटिंग देखते हैं इसकी कैसे हम सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पैरामीटर में, FX5 CPU, उसके बाद जाएंगे मॉड्यूल पैरामीटर, इथरनेट पोर्ट। ये देख रहे हैं इथरनेट पोर्ट में हम जाएंगे, यहाँ से मैं IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ। बयान में 168.3.250। ओके, यहाँ से मैं क्या करूँगा इसको CC लिंक IEF बेसिक को नॉट इन यूज में है अभी, मैं इसको यूज में ले लूँगा। ओके, यहाँ से मैं नेटवर्क कम्युनिकेशन सेटिंग में डिटेल पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, तो ये मेरा ओपन हो जाएगा। और ये देख रहे हैं CC लिंक IEF बेसिक यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं फाइल CC लिंक मोड MCCVH की जो फाइल है मैं अगर रजिस्टर नहीं करूँगा तो ये मेरा मॉड्यूलर IO नहीं आएगा। अब मेरा ये MCCVH, यहाँ से मैं एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मेरा मास्टर स्टेशन जो FX CPU है, FX5U CPU, और स्लेव स्टेशन कौन सा है मेरा, MCCVH मैंने जो कनेक्ट किया है। जो होस्ट स्टेशन है उसका एड्रेस हमेशा 0 होता है स्टेशन नंबर, और स्लेव का हमने 1 कर दिया यहाँ पे। अब ये 1 है 192.168.3.1.1, ये हमें करना होगा हेडर मॉड्यूल के उस साइड भी सेटिंग करनी होगी इसकी 1, वहाँ पर हम सेट कर देंगे।
वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे उधर साइड हम सेटिंग करते हैं। यहाँ से मैं पॉइंट ले लेता हूँ, मैक्सिमम पॉइंट हम ले सकते हैं 256। अभी मैं 256 पॉइंट ले सकता हूँ, यानी कि 256 का मतलब है यहाँ पे एक्स एक्स जो इनपुट है मेरे वो 256 ले सकता हूँ, और बाई बाई भी 256 पॉइंट ले सकता हूँ। और इस केस में रीड रजिस्टर आएंगे मेरे 128 और राइट रजिस्टर 128, यानी कि इसके हाफ मेरे रजिस्टर हम ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये होस्ट स्टेशन का आईपी एड्रेस हो गया और ये स्लेव स्टेशन का आईपी एड्रेस हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज विद रिफ्लेक्टिंग सेटिंग करके इसको बंद कर देंगे। यस यस ओके। उसके बाद हम करते हैं रिफ्रेश सेटिंग। तो रिफ्रेश सेटिंग हम कैसे करते हैं, स्पेसिफिक डिवाइस, यहाँ से स्पेसिफिक डिवाइस कर दे सकते हैं हम, स्पेसिफिक डिवाइस स्पेसिफिक डिवाइस। उसके बाद यहाँ से डिवाइस नेम एक्स बाई एम ओ सॉरी डी, यहाँ पे रीड रजिस्टर है मेरे तो मैं डी ले लिया हूँ यहाँ से, और राइट रजिस्टर मैं डी ले लेता हूँ। ये मेरे इनपुट हो गए। अभी मैं क्या करूँगा, स्टार्ट एड्रेस कहाँ से हमें स्टार्ट कराना है, जो हमारे रिमोट आईओ हैं कहाँ से हम पीएलसी में कम्युनिकेट होंगे। जैसे कि मैं कर लेता हूँ कि 1000 से लेके स्टार्ट होंगे मेरे, एक्स जो मेरा जाएगा 1000 से 1377 तक मेरा एक्स कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद 256 पॉइंट मैंने लिए हुए हैं वहाँ पे, अगर मैं वहाँ कम कर देता तो यहाँ पे कम पॉइंट मेरे असाइन होते। यहाँ पे मैंने पहले ही 256 पॉइंट असाइन किए हैं, तो 1000 से 1377 तक मेरे 256 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अभी मैं बाई भी 1000 से ही स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक, अब डी रीड रजिस्टर हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, तो 128 पॉइंट हमको लेने हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करना है। हमने असाइन तो कर दिए 128 पॉइंट, लेकिन कहाँ से हमें स्टार्ट लेने हैं ये मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। मैं 500 से स्टार्ट कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट इसको 627 तक ये हो गया यहाँ पे, तो 700 से मैं स्टार्ट कर देता हूँ राइट रजिस्टर। 700 से हम राइट रजिस्टर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है। ओके, अप्लाई कर देना है, तो अप्लाई कर देना है। ओके, ये तो होगी मेरी सीसी लिंक आईईएफ की बेसिक सेटिंग जो पीएलसी साइड हम करते हैं। पीएलसी साइड हम करते हैं, जो हेडर मॉड्यूल साइड हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हेडर मॉड्यूल साइड हम सेटिंग करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो हमें लिख सकते हैं वहीं पे, मैं आपको आई होप कि आपको सॉल्यूशन दूँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।